एवरीवन, वेलकम टू आई क्रिएटिन ब्लॉग। मैं हूं कनिका और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मीशो से ख़रीदी थी। इसमें से कुछ सामान मैंने ऑलरेडी बहुत महीनों से यूज़ कर रही हूं और कुछ कुछ सामान नया भी मैंने ख़रीदा है। आज की वीडियो में जो मैं सामान पहले से यूज़ कर रही थी उसका भी एक रिव्यू हो जाएगा। जो लोग मुझे पहले से देखते आए होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि मुझे किचन का सामान खरीदना कितना ज़्यादा पसंद है। आज मैं आपके साथ जो भी मीशो के प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी उनमें से बहुत सारे आप लोगों ने पहले के वीडियोस में भी देखे होंगे। मेरे मीशो में आपके सारे ज़रूरत के सामान बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। अभी तक अगर आपने मीशो से ख़रीदारी नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जो मैं पहला प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये पीसेस का ग्लास जार सेट। ये ग्लास जार का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये मटका डिज़ाइन में है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और इसका जो लीड्स है वो भी सारे गोल्ड कलर में थे, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये जार्स परफेक्टली एयर टाइट जार्स है और इन जार्स पे आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, स्पाइसेस को स्टोर कर सकते हो या फिर इन जार्स पे आप अपना पिकल को भी स्टोर कर सकते हो। इन जार्स पे मैं अपना जो रेगुलर मसाले होते हैं इन सभी को स्टोर किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से ये रहते भी हैं। इन जार्स के ऊपर जो स्टिकर लगाई है उसको मैंने बाद में लगाई है, वो पहले से नहीं थे। इसको मैंने अलग से ख़रीद के यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये बहुत ही क्यूट सी बर्नी जो कि 4 की सेट में थी। ये इस तरह की बर्नी जो है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। इन बर्नीज पे भी मैंने अपना किचन एसेंशियल्स को ही स्टोर किया हुआ है। मैंने यहाँ पे रखा है सॉल्ट, हल्दी, फ्लैक्सीड और जीरा। और मैं इन सभी जो सेरेमिक के जार्स हैं उन सभी को अपने किचन काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। इन बर्नीज पे भी आप अपना जो पिकल्स होते हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं या फिर बर्नी के जो ऊपर का ढक्कन खोल के कभी कभार आप इनको डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो ऊपर फ्लावर लगा के। इन बर्नीज़ को बहुत तरीक़ों से स्टोरिंग में लाया जा सकता है। इन बर्नीज़ पे आप तेज़पत्ता भी स्टोर कर सकते हो या फिर ग्रीन टी के जो पैकेट्स आते हैं उनको भी स्टोर कर सकते हो। और बहुत ही यूज़फुल इन जार्स को मैं अपने किचन में कई महीनों से यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मैंने थोड़ी ही दिन पहले परचेज़ किया था मीशो से। ये है सेरेमिक के कुल्हड़ टी कप्स। हम अपने घर के लिए कितने सारे टी कप्स का ख़रीदारी करते हैं टाइम टू टाइम, तो इस टाइप का भी अगर एक सेट हम घर पे रखते हैं तो मुझे लगता है कि रखना चाहिए। कुल्हड़ डिज़ाइन के जो कप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लगते हैं। ये टी कप्स 6 पीसेस के सेट में था और इसमें जो ये वर्ली डिज़ाइन के पेंट की गई है इससे ये टी कप्स की जो लुक है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो गई है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये टी कप। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो है एक कप और सॉसर होल्डर। और ये देखिए ये होल्डर एक कैटल के डिज़ाइन में है। इस होल्डर को आप कैबिनेट के अंदर भी रख सकते हो कप और सॉसर रख के, या फिर आप इसको ब्यूटीफुली डिस्प्ले भी कर सकते हो अपने किचन काउंटर टॉप पे। ऊपर 6 हुक्स दी गई है जहाँ पे आप कप्स को यहाँ पे लगा सकते हो और नीचे की जो ये दोनों साइड है यहाँ पे आप सॉसर को रख सकते हो। यहाँ पे जो ये 6 हुक्स दी गई है जो आपके कप्स या फिर मग्स को लगाने के लिए हैंग करने के लिए, यहाँ पे आप सिर्फ एक 6 ही नहीं आपके आप इसमें एक में दो दो करके भी लगा सकते हो। इसका मतलब है एक हुक में आप दो दो कप्स को भी हैंग कर सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसानी से। बहुत ही सुंदर और यूनिक डिज़ाइन में ये होल्डर है और इसको भी मैंने परचेज़ की हुई अभी 1 साल ही होने को आया है।
ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप सॉसर को रख के कप्स को हैंग कर लेंगे तो कितना सुंदर लगता है, और इसको आप इस तरह से किचन काउंटर टॉप पे भी डेकोरेट कर सकते हो डेली के कप्स को इस तरह से हैंग करके। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये कोलैप्सिबल सिलिकॉन फैनल। ये जो प्रोडक्ट है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और ये फैनल जो है ये बहुत ही अच्छा स्पेस सेविंग प्रोडक्ट भी है। इस तरह से ये कोलैप्सिबल है, जब भी आपको यूज़ करना है तो आपको इसको खोल सकते हैं। मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने जो छोटे मुंह वाले मेरे मस्टर्ड ऑयल के जो मैंने ऑयल जार्स रखे हुए हैं, इसमें ऑयल को पोर करने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ, और काम हो जाने के बाद इसको अच्छे से धो के रख देने से हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है 3 पीसेस का ये क्लीनिंग टूल किट। और यहाँ पे आपको 3 वायर ब्रशेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मेटल का एक, ब्रश का एक और नायलन का एक ब्रश मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अपने किचन और घर के लिए। यहाँ पे जो ये ब्रशेस का जो हैंडल है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके, अब जब भी काम करते हो तो यहाँ पे अच्छे से पकड़ बना सकते हो। इन ब्रशेस के साथ आप अपने जो गैस स्टोव है उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जो स्टील के जो आपके जो पाइप्स वगैरह है बाथरूम हो या फिर किचन हो, उनको भी बहुत अच्छे से आप इससे साफ़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितने भी सामान आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सभी बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल रेंज में है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये लीड्स, ये स्टील के है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये कवर है वो नेट की है, ये नेट लीड्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं रिसेंटली ही इसको परचेज़ किया है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट साइज़ेस के लीड्स मिल जाएंगे, एक तो बड़ा है, एक मिडल है और एक छोटा वाला है। जैसे कि कभी कभार हमारे घर पे स्टील के हो या कोई भी ऐसा बर्तन होता है जहाँ पे लीड नहीं रहता, उसके लिए ये लीड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से आप अपने जो कुक फूड है उसको भी इस तरह से नेट से ढक के रख सकते हो। दाल, दूध, सब्जी जो भी हो, आप ये लीड से अच्छे से ढक के रख सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो है ये जिपलॉक बैग्स। ये 15 के पीसेस में आए थे 280 रुपीज़ में। ये मीडियम साइज़ के जिपलॉक बैग्स है। जिपलॉक बैग्स कितने यूज़फुल होते हैं ये तो आपको पता ही है, और फ्रिज में कितने सारे सामान बहुत से कम जगह पे रखना पड़ता है जब आपके घर पे स्मॉल फ्रिज हो, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। यहाँ पे एक साथ 15 पीसेस आए थे और मैंने बाकी सभी बैग्स को यूज़ करके अभी रखा हुआ है फ्रिज में भी। आप कटे हुए सब्जी को भी आप इसमें अच्छे से रख के एयर टाइट करके रख सकते हो। यहाँ पे वेजिटेबल्स को रखना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि जब भी आप वेजिटेबल्स को रखते हैं तो सिर्फ आप यहाँ से हवा को निकाल दें और अच्छे से जिप को बंद कर दें तो आपका जो बैग है बहुत ही छोटा हो जाता है, जो जिसको आप बहुत ही अच्छे से फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, और साथ की ये साथ में बहुत सारे अलग अलग सामान को भी रख सकते हो। और मुझे अपने फ्रिज में वेजिटेबल्स को रखने के लिए जिपलॉक बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर की है वो सभी प्रोडक्ट्स के जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगी। आप अगर इंटरेस्टेड है तो कोड को सर्च करके आप मीशो पे इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं।
आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।